आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह विंडोज 10 लैपटॉप में स्टार्ट मेनू में से बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन को किस तरह हटा सकते हैं, मतलब अनपिन किस तरह कर सकते हैं स्टार्ट मेनू में से। तो सबसे पहले आपको जो है स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन पर आकर के राइट क्लिक करना है माउस से। आपको दिखाई देगा अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, उस पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ से बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन चला गया है। तो इस तरह आप अनपिन कर सकते हैं। मैं दोबारा से स्टार्ट मेनू पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर वो नहीं दिखा रहा है बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन, हमने उसे अनपिन कर दिया है, हटा दिया है स्टार्ट मेनू में से।